मणिपुर जल रहा है। महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मणिपुर राज्य इस वक्त आंतरिक अशांति के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। मणिपुर करीब 2 महीने से जल रहा है। अब तक 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। 1 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त हिंसाग्रस्त है महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली बात है। बीते दिन मणिपुर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाकर उनके साथ गैंग रेप किया गया। महिलाओं के साथ घटी इस हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के एक राज्य में करीब 2 महीने से हिंसा जारी है, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। प्रधानमंत्री की चुप्पी सरकार की नाकामी के साफ दिखाई दे रही है। ऐसा माहौल में मणिपुर के नागरिकों जिंदगी एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई ने मणिपुर राज्य में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों पर अपराध व विरोध प्रदर्शन कर मांग कर रही है। आपको बता दें, मणिपुर राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंबेडकर मूर्ति के एक समीप बैठे हुए धरने प्रदर्शन पे हमारे साथ जिला अध्यक्ष सचिन कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। अध्यक्ष जी, जनसेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अमित भाई। क्या है जिस तरीके से इस समय मणिपुर जल रहा है पिछले 70-75 दिनों से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, उनके कुंभकर्ण नींद को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है कि उनको जगाया जाए और उनके बताया जाए कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, वहाँ किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनको निवस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अभी पश्चिम बंगाल में भी पिछले 2-3 दिनों से कमनिलंग, मतलब क्या कहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इसलिए ये सब एक सोची समझी रणनीति है। हमारे देश के गृह मंत्री जी मणिपुर जाते हैं और उनके जाने पर भी मणिपुर नहीं संभल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे राज क्या होगा। इसके पीछे स्वाभाविक बात है, बीजेपी जब जब चुनाव करीब आता है वो कभी सैनिकों का इस्तेमाल करती है, कभी धर्म का इस्तेमाल करती है, दंगा भड़काने का काम करती है। चुनाव करीब आ रहा है 2024 का, उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल को जला रही है, मणिपुर को जला रही है, और ये धार्मिक भावना भड़का कर हिंदू मुसलमान करने की राजनीति है, और इसीलिए सारा खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी इस सिलसिले को बंद करने के लिए, मोदी जी को जगाने के लिए, मणिपुर को शांत किया जाए, पश्चिम बंगाल को शांत किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और वहां अमन चैन कायम किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या वैसे लड़ेगी, कितने सीट पर लड़ेगी? अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी कि आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, और जो दिशा निर्देश होगा आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनके साथ काम करेगा। जनसेतु टीवी चैनल, अम्बेडकर नगर से अमित मौर्या।